एन के दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट्स हैं देखो जिन बच्चों ने अगस्त में ओ का एग्ज़ाम दिया था आप सबका रिज़ल्ट एन ने डिक्लेयर कर दिया है अगर आपने अभी तक अपना रिज़ल्ट को चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पर आपको रिज़ल्ट चेक करने का लिंक मिलेगा सबसे पहले आप अपना रिज़ल्ट को चेक कर लेना यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया था लेकिन फिर भी उनके रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है तो ऐसे में उनको क्या करना है इस वीडियो में हम देखेंगे तो देखो जैसे ही ओ का एग्जाम का रिजल्ट आया था अगस्त वाला उसके ठीक कुछ देर बाद ही आपको रीचेकिंग और रिवेलुएसन का आपको ऑप्शन दे दिया गया था यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आप रीचेकिंग और रिवेल्यूएसन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ठीक है अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा फ़ीस कितना लगेगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे तो मैंने इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्सन में डाल दिया हूँ वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाओगे यहाँ पर देखो आपको डिटेल फिल करनी होगी जैसे कि आपको अपना रोल नंबर देना होगा लेकिन उससे पहले हम नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे कि फ़ीस कितना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे री चेकिंग रिवेल्यूएसन चार्जेस पर सब्जेक्ट फॉर ऑन डिमांड एग्जाम ठीक है देखो अगर आप दसवीं क्लास में हो और री चेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको तीन सौ रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा ठीक है ऑनलाइन फ़ीस जो है इनका पचास रुपये वो ऐड कर लेना यानी कि साढ़े तीन सौ रुपये दसवीं क्लास वाले बच्चों को रीचेकिंग के देने होंगे दसवीं क्लास का रिवेल्यूएसन का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोट एप्लीकेबल लिखा हुआ है और अगर आप बारहवीं क्लास में हो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको तीन सौ देना होगा प्लस पचास रुपये इनका जो ऑनलाइन चार्ज होता है वो ऐड कर लेना ठीक है बारहवीं क्लास के बच्चे रीवेल्यूएसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऐसा इसमें लिखा हुआ है और फीस जो है आपकी हज़ार रुपये रखी गई है ठीक है तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो देखो अगर आपको पास होने में चार या पाँच मार्क्स चाहिए ठीक है अगर आपको एक सब्जेक्ट क्लियर करने में जो भी सब्जेक्ट का आप ओ एग्ज़ाम दे के आए हो उसमें अगर आपको तीन या चार नंबर या पाँच नंबर कम पड़ रहे हैं पास होने में तो मैं कहूँगा कि आप री के लिए अप्लाई कर दो ठीक है इतनी इंक्रीजमेंट आ जाती है रीचेकिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो इतना चार पाँच नंबर का आ जाता है इंक्रीजमेंट ठीक है और अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए जैसे कि पंद्रह मार्क्स चाहिए बीस मार्क्स चाहिए इस तरीके के मार्क्स अगर चाहिए और अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर पे तो ही अप्लाई करना अदरवाइज़ मत करना ठीक है क्योंकि कोई फ़ायदा होगा नहीं काफ़ी हर साल मतलब बंदे यहाँ पर अप्लाई करते हैं फिर भी उनको में कोई चेंजेस नहीं आता है तो अगर आपको अपने आंसर पर विश्वास है पूरा आपको लगता है कि आपके आंसर बहुत अच्छे थे आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले हैं तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको चार पाँच नंबर तीन या पाँच छः सात नंबर इतने अगर आए, चाहिए पास होने में तो आप री के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है इतना इंक्रीजमेंट आ जाता है बच्चों में ठीक है अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना होगा रोल नंबर देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ऐसा शो होगा देखो ये सारी डिटेल आपकी शो हो रही है और यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट शो होगा यहाँ पर हमें हो नहीं रहा है क्योंकि हमें हमारा जो ओ का एग्ज़ाम है हमने दिया ही नहीं है इस वजह से हमारा हो ही नहीं रहा है ठीक है तो आप लोग के में ये सारे सब्जेक्ट सो होंगे यानी कि जो सब्जेक्ट का आपने ओ का एग्ज़ाम दिया है अगस्त में वो सब्जेक्ट यहाँ पर शो होगा उसे टिक करके आपको सीधा सबमिट करना है सबमिट करके पेमेंट कर देना है फीस मैंने आपको बता ही दिया है बिल्कुल सिंपल है पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा कोई आता है दिक्कत तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं आपको वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है तो अगर आप करना चाहते हो अप्लाई तो कर सकते हो रिवेल्यूशन के लिए करना चाहते हो रिवेलुएसन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना री चेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो री चेकिंग का अप्लाई कर देना ठीक है ऑप्शन सेलेक्ट करना है बस अब आपको पेमेंट करना है इसका रिजल्ट जो है पंद्रह से बीस दिन के अंदर आ जाता है इस बात का ध्यान रखना ठीक है रीचेकिंग का जो होता है रिजल्ट वो पंद्रह से बीस दिन में आ जाता है और अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ के करना अगर आप कॉन्फिडेंट हो पूरा अपने आंसर पर तभी करना वरना आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने किया था लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं आया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ आप अपने रिस्क पर करना अगर आपको आंसर पर पूरा कॉन्फिडेंट है तो एक मिनट आपको हिंट यहाँ पर यह दिया है चार पाँच नंबर चाहिए पास होने में तो आप अप्लाई कर दो इतनी इंक्रीजमेंट आपको मिल जाएगी ठीक है आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो अपने रिस्क पर करना इस बात का आप ध्यान रखना ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में